दोस्तों, क्या हालचाल। चलिए इस वीडियो में आज विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को डिस्कस करते हैं, जहां यहां देखेंगे एक दिन में इसमें 12.5% की तेजी देखने को मिली है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब इस कंपनी के दिन बहुरने वाले हैं। एक दिन में 12.5% की तेजी एक छोटे से स्टॉक में काफी मायने रखती है। सच में समझेंगे कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, तेजी टिकाऊ है या सिर्फ मतलब पेनी स्टॉक में तो ऐसा होता है कि एक दिन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है और अगले ही दिन उसमें लोअर सर्किट लग जाता है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें समझेंगे। हम जानते हैं कि विशेष इन्फो टेक्निक्स का एक और नाम है, जिसको हम MPS इन्फोटेक के नाम से जानते हैं। हालांकि जब आप स्क्रीनर पर सर्च करते हैं, स्क्रीनर एक वेबसाइट है स्टॉक को और डिटेल्स में एनालिसिस करने के लिए, तो वहाँ पे विशेष इन्फो टेक्निक्स के नाम से ही आता है। हम लोग इस कंपनी के काम को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक एक चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। कंपनी 1989 में जब से इनकॉर्पोरेट हुई, जब से कंपनी का स्थापना हुई, तब से ये कंपनी IT सेक्टर में अपनी सेवाओं को देती है। छोटी सी IT सेक्टर में काम करने वाली छोटी सी कंपनी है, अलग अलग कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कराती है। लेकिन अन्य दिनों देखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में कंपनी थोड़ी बहुत सेवाएं देने लगी है। यानी कि अब सिर्फ IT सेक्टर में काम करने वाली कंपनी नहीं रही, कंपनी का जो स्वरूप है बदल रहा है। कंपनी का काम धाम व्यापक स्तर पर फैल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि एक में यदि मान लीजिए कमी आता है तो दूसरे बिजनेस से उसको अच्छी खासी रेवेन्यू होता रहेगा। तो ये सभी कंपनियां करती हैं, जब अपने आप को विस्तार करती हैं तो उनका रिफ्लेक्शन उसके शेयर प्राइस में देखने को मिलता है लंबी अवधि में। तो ये हो गई काम की बात। अब चलिए फंडामेंटल समझते हैं। 170 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के हिसाब से देखिए, हालांकि मार्केट में बार बार कहता हूँ, मार्केट कैप के हिसाब से शेयर प्राइस नहीं देखते हैं, शेयर प्राइस देखते हैं स्टॉक PE के हिसाब से, महंगा या सस्ता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक का यहाँ PE गायब है, तो शेयर प्राइस देख लेते हैं। 45 पैसा के आसपास शेयर प्राइस है, जो कि इसके बुक वैल्यू से कम है। ये निगेटिव बात है। सामान्यतः जो बुक शेयर प्राइस होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कितना रिटर्न मिलेगा, वह भी माइनस में है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि साल भर बाद आपका जो रिटर्न रहेगा -1% रहेगा, क्योंकि यहाँ ROE है जो वो माइनस में है। खैर, ये देखिए, ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यदि क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं, और आपको पता है क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट जब अच्छा आता है तो कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है। और जब जंप देखने को मिलेगी तो तेज़ी आएगी, और जब तेज़ी आएगी तो जो ROE है माइनस में वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये अभी तक हम काम और फंडामेंटल को समझा। आप चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कंपनी के चार्ट को समझते हैं कि चार्ट क्या बोलता है, तेज़ी क्यों देखने को मिली, तेज़ी टिकाऊ है या सिर्फ दिखने के लिए है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर 1 साल के चार्ट पर, और 1 साल के चार्ट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक ज़्यादातर या तो अपर सर्किट में चलते रहते हैं या लोअर सर्किट में चलते रहता है। काफ़ी दिनों तक यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट किया 45 पैसा से लेकर 40 पैसा के बीच में, और अभी भी जैसे मैंने बताया कंपनी का शेयर प्राइस 45 पैसा के बीच में ही है। तो यानी कि ये जो 12.5% की तेज़ी आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा था वो अस्थाई नहीं है। यदि अस्थाई होता तो ये कंपनी का शेयर प्राइस 45 पैसा से निकलकर 50 पैसा के बीच में, यानी कि इस रेंज में आ गया होता। लेकिन अभी भी देखेंगे तो ये जो इसका प्राइस है इसी रेंज में है। हमें सबसे पहले ज़रूरी है, जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट है पहले से उन्हें, कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इस रेंज से निकलकर इस रेंज में आके कंसोलिडेट करने लगे। इसमें यदि कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में, और यहाँ पर जब समय बिता के इसका प्राइस ऊपर निकलेगा, फिर ये आएगा इस रेंज में, जो कि इसके लिए 55 पैसा का लेवल है। यहाँ पे इस कंपनी का शेयर प्राइस एक बार आ गया तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं, जो कि आ भी रहे हैं, इन दिनों क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलता है, सामान्यतः इस कंपनी के ठीक ही आते हैं। तो उसके बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस को यहाँ से ऊपर निकलने में समय नहीं लगेगा, और सीधे 65 पैसा का लेवल, जो इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक टारगेट भी यहाँ तक के लिए इजीली आ सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आप वेट कीजिए। हालांकि मैं तो कहूँगा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बेचने का कोई फायदा नहीं, आप वेट ही कीजिए इस लेवल में आने का। इस कंपनी का शेयर प्राइस एक बार इस लेवल में आ गया तो उसके बाद इसको यहाँ से फिर ऊपर निकलने में समय नहीं लगेगा। ये 50 पैसा से लेकर सीधे 65 पैसा, फिर 1 रुपये तक के लिए आप शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं। इसलिए हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, देखिए, जो सेल्स है पिछले क्वार्टर में देखें, सितंबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है, और पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 21 लाख के आसपास हुआ है। हालांकि यहीं पर यह भी देखना है कि कंपनी की कमाई बढ़ी है तो कंपनी के खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि खर्चे थोड़े कम होते हैं तो जाहिर सी बात है जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मेन बिजनेस से कमाई है, वह भी प्रॉफिट में होता है। लेकिन यह भी माइनस में, लॉस में, क्योंकि कंपनी खर्चे कम नहीं कर रही, जितना कमा रही है उससे ज़्यादा कंपनी खर्च कर रही है, तो इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में। हालांकि अच्छी बात है, पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, मतलब लॉसेस कम हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि लॉस कम होना चाहिए। वहीं पर हम नेट प्रॉफिट को जब डिस्कशन करते हैं तो नेट प्रॉफिट में पाते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह तो खैर प्रॉफिट में था नहीं, लॉस में था, लेकिन लॉस कम होते हुए दिखे। पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो लॉस इस बार कम हुआ है। तो ये भी एक अच्छी निशान है, लॉस कम हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और ऐसे ही यदि अच्छे आते रहे तो
बीसीएस इन्फो टेक्निक्स में अच्छी खासी तेजी आपको थोड़े लंबी अवधि में देखने को मिल सकती है। इस 12.5% की तेजी पर नहीं जाना है जब तक कि स्टॉक का प्राइस 50% के लेवल में आगे ट्रेड नहीं करने लगता है। उम्मीद करता हूँ बीसीएस इन्फो टेक्निक्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे जुड़कर बातें करने के लिए आप उसका इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।